हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ये वीडियो लास्ट तक देखेगा तो मेरे लिए न्यू टेक्नीशियन होगा तो पुराना टेक्नीशियन भी ये वीडियो देख सकते हो। तो ये वीडियो शुरू से आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और वीडियो का मिडिल पोजीशन कुछ भी पोजीशन आप स्किप करके देखेगा तो आप बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हो। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो शुरू से लास्ट तक आप वॉच कीजिए। चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ वीडियो को। तो आज आपको ये वीडियो के अंदर जो देखाऊंगा कि न्यू टेक्नीशियन हो सकता है, पुराना भी टेक्नीशियन हो सकता है, शुरू से लास्ट तक देखेगा तो ये वीडियो के अंदर एक अलग से इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा कि देखिए दोस्तों, ये ओनिडा का टीवी है, ठीक है। ये ओनिडा का 14 इंची ये छोटा सा एक अल्ट्रा स्लिम टीवी है। तो इसके अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम था, मैं कुछ रिपेयर किया और लास्ट में एक जो प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम के ऊपर आपको डिस्कस करूंगा और रिपेयर करके भी देखूंगा प्रैक्टिकल ये वीडियो के अंदर, ठीक है। फर्स्ट चलिए मैं अभी सिम्टम को दिखाना चाहता हूँ। इसका ऑडियो वीडियो कनेक्शन मैं पहले से ही करके रखा हूँ, ठीक है। और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, सीरीज लाइन से ही फर्स्ट सप्लाई दे दिया, ठीक है। और आप टीवी पर फॉलो कीजिए, इसके इंडिकेटर ऑन है और ये टीवी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑडियो वीडियो साउंड बिल्कुल सब कुछ ओके चल रहा है, ठीक है। साउंड भी ओके है। इंडिया से कॉल। हेलो किशन, मैं श्रीनिवास राव बोल रहा हूँ, तुम्हारे डैडी का दोस्त और वकील। बेटे, इतनी मेहनतों के बाद भी तुम इंडिया नहीं आए, इसलिए तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारे दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी तुम। देखिए दोस्तों, ये अचानक स्टॉप हो गया। इसी तरह ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके चलने के बाद ये अचानक स्टॉप हो गया, बट इसका इंडिकेटर यहाँ पर जल रहा है और स्क्रीन का अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इसी तरह एक स्पॉट आता है और चला जाता है। रेड इंडिकेटर अभी जल रहा है, ठीक है, ये पूरा ऑफ हो गया। ये देखिए, यहाँ पर एक लाइट, छोटा सा हल्का सा लाइट आने के बाद ये चला जाता है। इंडिकेटर यहाँ पर चल रहा है, ऑडियो वीडियो साउंड सब कुछ चला गया। तो यही इसका फॉल्ट है, अभी ये फॉल्ट आया। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ किया, ठीक है। ऑफ करने के बाद ये जो स्पॉट देखिए, ये धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको और मैं क्लियर करके देखाऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम आप ऊपर से आसान तरीका से मैं आइडिया नहीं लगा सकते कि ये सेक्शन का ही फॉल्ट है। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, इसी तरह कुछ भी टाइप फॉल्ट आ सकता है, आप आसानी से कैसे रिपेयर कर पाओगे। दोबारा दोस्तों, चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, फिर भी मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए, सप्लाई दे दिया और इसका अंदर इंडिकेटर ऑन है, मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों देखिए, साउंड पिक्चर सब कुछ ओके आ गया। तो दोस्तों, साउंड का वजह कॉपीराइट भी आ सकता है। मैं थोड़ा सा रिमोट ढूंढ के देखने के बाद तो दोस्तों रिमोट आसपास नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों खुद ही देखिए, ये स्टॉप हो गया। इसी तरह कंटिन्यू ये हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये सेटअप बॉक्स का रिमोट है, ये रिमोट यहाँ पर मैं रखने के बाद दोबारा मैं सप्लाई देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद कुछ टाइम 2-1 मिनट रुकने के बाद, बट दोस्तों चलिए अभी मैं सप्लाई देखिए देखता हूँ साथ साथ। सप्लाई दे दिया, लेने के बाद स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, साथ साथ जब मैं सप्लाई टीवी के अंदर देने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है। इसी तरह ये फॉल्ट है। देखिए, इंडिकेटर जल रहा है और स्क्रीन के अंदर ये पोजीशन देखिए, छोटा सा लाइट आ रहा है बट टीवी चालू नहीं हो रहा है। चलिए, सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ टाइम 1-2 मिनट ऑफ करने के बाद, सप्लाई देने के बाद, इसी तरह साउंड पिक्चर सब कुछ ओके आ जाता है और वो चला जाता है, ठीक है। पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, साउंड पिक्चर सब कुछ चला जाता है। तो दोस्तों, एक्चुअली ये प्रॉब्लम कौन सेक्शन का है? तो दोस्तों, कौन सेक्शन फॉल्ट ये ऊपर से तो मेरा नॉलेज भी नहीं है। बट दोस्तों, मेरा ये जो नॉलेज है, इसी तरह प्रॉब्लम जब देखा जाता है, मेन कुछ वोल्टेज को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका अंदर ESD बन रहा है कि नहीं, स्टैंड बाई सी ऑन कंटिन्यू रहता है कि नहीं, ठीक है। मेमोरी सप्लाई चेक करना पड़ेगा, IC का कुछ प्रॉपर वोल्टेज जो मेन सप्लाई वो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, PCB ओपन करने के बाद आपको सब कुछ स्टेप बाई स्टेप करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इसका बैक कवर ओपन किया, आप देख सकते हो कि ये जो अल्ट्रा स्लिम छोटा सा पिक्चर ट्यूब है, इसका अंदर स्क्वायर टाइप योग है
और इसका ESD में मैं एक न्यू लगाया, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम था ESD फायरिंग के बजाय दोस्तों इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया था। इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी मैं चेंज किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो चैसिस है इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर 2103 इसका ओरिजिनल ट्रांजिस्टर था। तो दोस्तों अभी वहाँ पर मैं देखिए C585 ये छोटा सा ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर लगाया, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर आसानी से ये शॉर्ट नहीं हो जाता है ये पोजीशन पर। बात दोस्तों इसी तरह ये टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी ये चैनल के अंदर एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका ESD नंबर भी चलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ओनिडा का चैसिस है इसका ESD नंबर आप देखिए BSC23N0151, ठीक है। और दोस्तों ESD फायरिंग का वजह जब आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया था, दोस्तों आउटपुट ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद एक हॉरिजेंटल लाइन प्रॉब्लम मिला। तो दोस्तों उसका बाद जब मैं अच्छा करके देखा कि इसका वर्टिकल IC फॉल्ट हो गया था। तो दोस्तों ये वर्टिकल IC नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ LA78045 में लगाया। तो दोस्तों ये बहुत ही हाई वोल्टेज का, ठीक है। और चलिए मैं PC ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये पुराना वाला IC को मैं ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद ये IC लगाया, लगाने के बाद इसका पिक्चर साउंड सब कुछ ओके आ गया। बट दोस्तों ये ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, चलिए स्पीकर का वायर मैं ओपन कर देता हूँ। और ये दोस्तों डिगोसिंग कॉइल का इसका AC कॉर्ड यहाँ पर है। और ये PCB को भी अच्छा करके आप देख सकते हो ये किस टाइप PCB है, ठीक है। और ये जो बेसबोर्ड, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इसका बेसबोर्ड है। बेसबोर्ड का अंदर छोटा छोटा कुछ SMD कॉम्पोनेंट है जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। और PCB ये उल्टा करने के बाद आप देख सकते हो ये PCB के अंदर एक चीप प्रोसेसर IC है, ठीक है। ये प्रोसेसर IC नंबर आपको स्क्रीन के अंदर एक बार दिखाऊंगा, ठीक है, ये चीप प्रोसेसर IC है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, तो ये PCB को मैं अच्छा करके सोल्डरिंग किया, कुछ भी लूज कॉन्टैक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है लूज कॉन्टैक्ट नहीं है। तो चलिए अभी स्टेप बाई स्टेप कुछ वोल्टेज चेक करूँगा। तो दोस्तों इसका अंदर एक छोटा सा मेमोरी IC है, मेमोरी IC का वोल्टेज चेक करूँगा, ये प्रोसेसर IC का कुछ वोल्टेज चेक करूँगा, ठीक है। ESD का वोल्टेज चेक करूँगा, इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करके देखूँगा, सब कुछ आपको देखूँगा, ठीक है। तो चलिए PCB को थोड़ा सा सेट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं PCB को सेट किया, मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, मीटर का नेगेटिव पर मैं यहाँ कनेक्शन किया। तो चलिए सप्लाई देके कुछ वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद स्क्रीन का अंदर एक बार देखना पड़ेगा। चलिए स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए लाइट बिल्कुल ओके आ गया, सीरीज बाल हल्का सा ग्लो कर रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी इसी टाइम ESD सप्लाई कितना है, तो दोस्तों चलिए मेन सप्लाई, यहाँ पर एक डायोड है, ये डायोड ESD सप्लाई का वोल्टेज कितना है 115 वोल्ट। और उसके बाद ये दूसरा डायोड है जो आउटपुट डायोड है, यहाँ पर कितना वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों अभी इसी टाइम देखिए लाइट चला गया, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, चलिए इसी कंडीशन पर ESD सप्लाई 115 वोल्ट, दूसरा जो डायोड है दूसरे डायोड पर ये 12 वोल्ट, ठीक है। और तीसरा ये थर्ड पोजिशन पर जो डायोड है, ये डायोड का वोल्टेज 15 वोल्ट, ठीक है। ये चॉपर का जो अलग अलग सप्लाई आउटपुट जो होता है, तीनों मेन डायोड का वोल्टेज आपको देखा है, ये साउंड IC पर ये सप्लाई आ रहा है। चलिए ESD पर जो सप्लाई जा रहा है ये ESD पिन है, ये ESD पिन पर वोल्टेज अभी 115 वोल्ट। तो दोस्तों ESD अभी बन रहा है कि नहीं, ESD बनेगा तो ये 180 वोल्ट लाइन पर जो वोल्टेज होना चाहिए, ये 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज देखिए 174, मतलब ESD इसका बन रहा है, ठीक है, ESD इसका बन रहा है और लाइट नहीं आ रहा है। सिम्टम को अच्छा करके देखिए, इसका मतलब कि ये सेट स्टैंड बाई से ऑन है। तो ESD ये बन रहा है कि नहीं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अब टेस्टर है, ठीक है, टेस्टर लेके आप इसी तरह ये जो ESD है, ESD का बॉडी का पास आप जब लेके जाओगे, देखिए टेस्टर चलेगा, ठीक है। ये देखिए ये जो
स्टिकर है, ये स्टिकर यहाँ पर मैं टच किया, देखिए टेस्टर जल रहा है, मतलब ESD बन रहा है। तो ESD जब बनेगा आप टेस्टर लेके भी टेस्ट कर सकते हो, नहीं तो ये जो 180 वोल्ट लाइन का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज टेस्ट करके भी आप कन्फर्म हो सकते हो। ठीक है, देखिए लाइट तब भी नहीं आ रहा है, तो दोस्तों फिलामेंट भी जल रहा है, आप देख सकते हो ये पिक्चर ट्यूब का अंदर, देखिए फिलामेंट भी जल रहा है, ठीक है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा, मेन कुछ वोल्टेज आपको दिखाऊँगा। ये जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी का पास कितना वोल्ट आ रहा है, तो दोस्तों ये पिन पर 4 वोल्ट है ये पिन पर, और हो सकता है ये सप्लाई पिन 3.0, ये पिन पर भी 4 वोल्ट है। तो दोस्तों मेन एक वोल्टेज, ये एक रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर वोल्टेज 5 वोल्ट, ये वोल्ट ओके है। और दोस्तों यहाँ पर एक रेगुलेटर है, छोटा सा ट्रांजिस्टर, ये दोस्तों 8 वोल्ट का रेगुलेटर है, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों बहुत कम है, 3.4 वोल्ट है। दोस्तों ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये वोल्ट थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो मेनली ये यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर सप्लाई भी 11 वोल्ट, ठीक है, 11 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट, मिडिल पिन पर वोल्टेज नहीं है, और दोस्तों ये 9 वोल्ट। बट दोस्तों ये चैसिस के अंदर जो मेन जो रेगुलेटर वोल्टेज, ये तो डाउन नहीं होना चाहिए, कि ये जो 8 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों सॉरी ये आईसी है, रेगुलेटर का आईसी छोटा सा, यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं है, इसका सप्लाई पिन वोल्टेज कितना है, इसका सप्लाई पिन, तो दोस्तों सप्लाई पिन देखिए 11 वोल्ट, ठीक है, और इसका मिडिल पिन कुछ भी वोल्टेज नहीं है, सप्लाई वोल्ट 11 वोल्ट है, बट आउटपुट वोल्ट 8 वोल्ट मिसिंग, मतलब 3.3 वोल्ट आ रहा है, और दोस्तों स्क्रीन का अंदर लाइट नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई का भी ऑफ कर दिया, आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि ये जो 8 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, ये लाइन को आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि ये वोल्टेज क्यों ड्रॉप हो गया और ये वोल्टेज कहाँ पर जा रहा है। तो दोस्तों कैसे ट्रैक किया जाता है कि ये जो फॉइल लाइन है, ये फॉइल लाइन का आपको इस तरह धीरे से देखना पड़ेगा। यहाँ से दोस्तों ये साइड एक रेजिस्टेंस है और ये आईसी के एक पिन पर चला गया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये लाइन को इस तरह देखना पड़ेगा। और दोस्तों ये साइड शॉर्ट है कि नहीं है, ये जो रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद, ये रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद पता चलेगा, और उसके बाद ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन का अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये जो लाइन जा रहा है, ये ऊपर चला गया, और ऊपर से दोस्तों ये लाइन इधर से आपको बहुत अच्छा करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक डायोड है, यहाँ पर एक डायोड है, आपको एक एक करके ओपन करके देखना पड़ेगा। बट ये जो लाइन इधर चला गया, ये लाइन से इधर आ गया, तो दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्शन है, तो दोस्तों इसका जो वैल्यू है अभी देखने का ज़रूरत नहीं है, ये किधर चला गया ये जो लाइन, ये आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक PF है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये PF ग्राउंड का साथ कनेक्शन है, आप खुद ही चेक करके देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से ये जो पिन है, यहाँ पर एक जम्पर है, जम्पर के बाद ये जो लाइन जा रहा है, आपको अच्छा कर देखना पड़ेगा किधर चला गया। पर दोस्तों ये जो मेन लाइन है, ये लाइन से एक फॉइल लाइन या आईसी का अंदर चला गया, ये जो पॉइंट है, अब ये इधर से काम करेगा, तो 1 2 3 4 5 5, ठीक है, इधर से आप 5 नंबर पिन पर ये सप्लाई आ गया, तो दोस्तों 8 वोल्ट का, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं हर टाइम जो बताता हूँ कि जब सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा कुछ भी सेक्शन और कुछ भी रेगुलेटर सेक्शन का अंदर, सप्लाई कहाँ से निकलता है, ये पॉइंट से सप्लाई निकलता है। तो फर्स्ट देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट
आप नेगेटिव के साथ क्वांटिटी मोड पर रख के इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है ये पॉइंट को नेगेटिव के साथ, ठीक है। और एक भी ट्राई कर सकते हो, ये पॉइंट को ओपन कर दीजिए, इसका सोल्डरिंग को ओपन कर दीजिए। सो ओपन करने के बाद देखिए कि ये रेगुलेटर से यहाँ पर एयरफॉल निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसका बाद शॉर्टिंग चेक कीजिए। चलिए मैं ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को ओपन करूँगा, अभी मैं ओपन नहीं किया, ठीक है। ये एयरफॉल रेगुलेटर का जो पॉइंट है इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद देखूँगा कि ये पिन पर एयरफॉल आउटपुट हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद ये जो लाइन शॉर्टिंग है कि नहीं है आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का पिन को मैं ओपन कर दिया, अब मैं क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो पिन है, ये पिन ओनली ये पिन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद चलिए मैं सप्लाई देके देखूंगा कि अभी वोल्टेज कितना आ रहा है। मैं सप्लाई दे दिया, देने का बाद अभी ये जो पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों मीटर पर देख सकते हो, देखिए 8 वोल्ट मिल रहा है। अब मीटर पर देख सकते हो 8 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर 8 वोल्ट मिल रहा है। पर दोस्तों ये पिन इस तरह ओपन रखने के बाद स्क्रीन के अंदर लाइट नहीं आएगा, ठीक है। और ये पिन को टच करने के बाद स्क्रीन के अंदर लाइट आ जाता है, पर दोस्तों वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है। देखिए 5 वोल्ट हो गया, लाइट भी आ गया और कुछ टाइम के अंदर भी लाइट चला जाएगा। देखिए इसी तरह इसका फॉल्ट है और यहाँ पर वोल्टेज देखिए थोड़ा ड्रॉप है 4.5 इस तरह। बार दोस्तों ये प्रॉपर 8 वोल्ट होना चाहिए, इसके अंदर प्रॉपर 8 वोल्ट नहीं है, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। फर्स्ट रेगुलेटर वोल्टेज को रेडी करना पड़ेगा, किस तरह करना पड़ेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद आपको ये जो लाइन है आपको दो हाथ से दिखाना पड़ेगा मीटर लेके। चलिए मैं मोबाइल पर स्टैंड फॉर रखने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई को ऑफ करके रखा हूँ और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज। देखिए मीटर को मैं क्या क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट किया, देखिए ये क्वांटिटी मोड पर है। आप अच्छा करके देखिए मीटर को क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट किया और ये जो नेगेटिव का कॉर्ड, चलिए ये जो नेगेटिव है यहाँ पर मैं कनेक्ट किया, ठीक है। और चलिए ये जो पॉइंट है देखिए दोस्तों ये भी नेगेटिव है क्या, ठीक है। ये पूरा नेगेटिव चार्जेस का नेगेटिव है। और देखिए ये जो 8 वोल्ट का लाइन है, ये 8 वोल्ट का लाइन पर अब देखिए मैं टच करके दिखा रहा हूँ, देखिए शॉर्टिंग बता रहा है और इसका ओम्स देखिए 28 ओम्स। अब अच्छा करके ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो 8 वोल्ट लाइन ये शॉर्ट है, ठीक है, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक है। और ये लाइन को आपको किस तरह देखना पड़ेगा, चलिए मीटर को मैं नेगेटिव पर ही टच करके रखा हूँ और ये जो लाइन जा रहा है देखिए बीच में ये जो लाइन, यहाँ पर आपको फर्स्ट बात है रेजिस्टेंस है, देखिए ये लाइन तो शॉर्ट है और ये लाइन जो जा रहा है देखिए यहाँ पर, देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है और ये रेजिस्टेंस की ये साइड देखिए कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, मतलब आईसी का ये साइड ओके है, ये साइड शॉर्ट नहीं है। चलिए ऊपर आपको जाना पड़ेगा इसी तरह, देखिए ये लाइन यहाँ तक भी शॉर्ट है और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये साइड ऊपर भी आ रहा है, यहाँ तक भी शॉर्ट है। बीच में दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ये साइड टच करके देखना पड़ेगा, तो दोस्तों ये साइड शॉर्ट नहीं है, मतलब ये पार्ट्स भी शॉर्ट नहीं है, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर यहाँ पर एक डायोड है, ये छोटा सा एक एसएमबी डायोड है, डायोड के बाद ये साइड तो दोस्तों कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, मतलब ये डायोड भी ओके है। और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, इसका साथ इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है और इसका आसपास तो दोस्तों कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों ये नेगेटिव है, मीटर रीडिंग देख सकते हो पूरा 0-0 है और यहाँ पर कनेक्शन 28 ओम्स है। तो दोस्तों ये 28 ओम्स शॉर्ट है, ठीक है, 8 वोल्ट लाइन 28 ओम्स हो रहा है। कुछ भी सप्लाई लाइन इतना शॉर्टिंग कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ओम्स 400 का ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये जो 2800 हो रहा है ये 400 का ऊपर होना चाहिए, कुछ भी सप्लाई लाइन हो सकता है, ठीक है। देखिए तो चलिए तो ये सेक्शन भी ओके है। चलिए ये लाइन को इस तरह इधर आने के बाद ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से
ये जो लाइन जा रहा है देखिए, ये रेजिस्टेंस पर आपको जो देखा है फर्स्ट टाइम, यह तक ये शॉर्ट है। और दोस्तों ये सब पार्ट्स का वैल्यू मेरे भी पता नहीं है क्या होना चाहिए, बट ये ट्रैक काटने का बाद सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए ये सप्लाई लाइन है, यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस तक भी शॉर्ट है, यहाँ पर 28 ओम्स, ठीक है, और यहाँ पर 26 ओम्स, मतलब 2 ओम्स डिफरेंट। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दोस्तों 2 ओम्स हो सकता है। और यहाँ पर ई पी एफ पर आ रहा है, पी एफ का ये साइड दोस्तों, पी एफ का ये साइड नेगेटिव है, ये नेगेटिव पूरा जीरो बता रहा है, और ये साइड 26 ओम। तो दोस्तों इसका अंदर ये जो पी एफ है, खुद ये पी एफ शॉर्ट हो सकता है, ये छोटा सा एक पी एफ है, ये पी एफ को ओपन करके देखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक जम्पर है, देखिए ये जम्पर तक इसका लाइन कनेक्शन है, ये किधर चला गया। तो दोस्तों ये आईसी के साथ कुछ भी एक पार्ट्स है, इसका कुछ भी कनेक्शन देखा नहीं जाता है, यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर एक पीएफ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये साइड कुछ भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कनेक्शन है। तो दोस्तों ये एक्चुअली नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों, ये पूरा 0-0 बता रहा है, ये नेगेटिव है, ये साइड कुछ भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या है, कुछ भी एक पार्ट्स है, यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों ये पूरा नेगेटिव है, और ये क्या है, ये 26 वोल्ट, मतलब ये लाइन शॉर्ट है, और ये लाइन कहाँ पर आ गया, ये आईसी का ये पिन पर। तो दोस्तों आईसी का ये पिन पर 26 आ रहा है, मतलब दोस्तों ये आईसी खुद शॉर्ट हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आईसी का अंदर ये जो लाइन आ रहा है बीच में, ये शुरू वाला फाइल लाइन, यहाँ पर कट करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आईसी शॉर्ट है, ये अलग कोई शॉर्ट है। तो चलिए मेरा पास एक ब्लेड है, अब कुछ भी एक कुछ भी तरीका से ये लाइन कट करके देख सकते हो। मैं हल्का सा कार्ड लगाया, और चलिए ये नेगेटिव का साथ, नेगेटिव कौन सा है, ये नेगेटिव, नेगेटिव का साथ। तो दोस्तों देखिए नेगेटिव का साथ, ये देखिए ये रेजिस्टेंस जो शॉर्ट आपको दिखाया, अभी शॉर्ट रिमूव हो गया, ये शॉर्ट, ये कुछ भी पोजीशन शॉर्ट, ये शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा नेगेटिव है कैपेसिटर का, पीएफ का, ये मिड लाइन शॉर्टिंग नहीं है, बट ये जो पॉइंट में यहाँ से काट किया, ये आईसी के अंदर जो आ रहा है, देखिए दोस्तों ये आईसी शॉर्ट है, देखिए आईसी पिन पर 26 ओम्स ये शो हो रहा है, 8 वोल्ट सप्लाई लाइन, क्लियर हो गया। बहुत दोस्त ने बताता है तो शॉर्ट लाइन को कैसे चेक किया जाता है, किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है कौन पास शॉर्ट है, आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाया। देखिए ये लाइन को यहाँ से मैं काट किया, देखिए आईसी लाइन है, ये आईसी लाइन है, और यहाँ तक देखिए इसका शॉर्ट रिमूव हो गया, मतलब आईसी पिन लाइन को कट करने के बाद, ये लाइन के अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आईसी है, ठीक है। तो दोस्तों ये नेगेटिव है, यहाँ पर हो सकता है कुछ एक पार्ट्स है, तो पूरा शॉर्ट तो रिमूव हो गया ये कट करने का बाद। और चलिए ये जो पॉइंट है 8 वोल्ट का, देखिए यहाँ पर पूरा शॉर्ट रिमूव हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको ये लाइन को एक बार सोल्डरिंग करके सप्लाई देके देखूंगा, ठीक है। अभी तो ये 8 वोल्ट रेगुलेटर आईसी ओपन है। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट जो रेगुलेटर आईसी है, छोटा सा 18-15 जैसा ट्रांजिस्टर, इसका नंबर तो दोस्तों L78L08 इसका नंबर है, ठीक है, छोटा सा। तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखूंगा, ठीक है, आपको भी एक बार दिखाऊंगा कि कितना वोल्ट अभी आ रहा है मीटर को नेगेटिव के साथ कनेक्शन करने के बाद। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया, और यहाँ पर तो दोस्तों मीटर को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए प्रॉपर यहाँ पर 8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर दोस्तों देखिए 8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है,
और बीच में ये जो पॉइंट से मैं काट किया, यहाँ पर 8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 वोल्ट आ रहा है और आईसी लाइन को मैं काट कर दिया, तो अभी तो लाइट नहीं आएगा। आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन का अंदर, देखिए लाइट नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर ये जो आईसी है, ये आईसी शॉर्ट है, ठीक है। ये आईसी का 8 वोल्ट लाइन शॉर्ट है, तो ये आईसी को रिमूव करके न्यू आईसी लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आईसी लगा के आपको देखूंगा। तो ये आईसी आप आसानी से, आपके पास हॉट एयर गन है तो हॉट एयर गन से ओपन कर सकते हो, नहीं तब ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, बहुत वीडियो के अंदर आपको दिखाया, वो ट्रिक यूज़ करके आईसी को रिमूव कर सकते हो। चलिए मैं ये आईसी को रिप्लेस करके मैं अलग से आईसी लगाऊंगा, ठीक है। लगाने के बाद ये प्रॉब्लम लगता है सॉल्व होगा कि नहीं, आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है दोस्तों। फाइनली दोस्तों ये पीसीबी का आईसी को मैं ओपन किया, आप देख सकते हो ये मेरे पास आईसी है और ये भी आसानी से आप भी ओपन कर सकते हो। मेरे पास ये न्यू आईसी आ गया, मैं न्यू आईसी लगाऊंगा दोस्तों, थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर दोस्तों ये आईसी ओपन और आईसी को कैसे लगाया जाता है, इसके ऊपर मेरे चैनल का ऑलरेडी वीडियो है, तो आप वो वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। फाइनली दोस्तों ये जो चैसिस है, इसका अंदर मैं न्यू आईसी लगाया जो आपको दिखाया, और जो आईसी को मैं ओपन किया, ये जो आईसी है, ठीक है, इसको मैं ओपन किया। और आपको बात है, इसका वर्टिकल आईसी भी प्रॉब्लम था, वर्टिकल आईसी को चेंज किया, ये एसटी वायर देखिए न्यू मैं लगाया, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट आपको जो डिफरेंट आपको दिखा है वोल्टेज का, अभी वो सही हो गया है कि नहीं ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं कराना चाहता हूँ, इसका ऑडियो वीडियो में कनेक्शन करके ही रखा हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे दिया और मीटर को 200 डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है, और मीटर का नेगेटिव पर यहाँ पर मैं कनेक्शन किया। और सप्लाई देने के बाद दोस्तों देखिए टीवी अभी चल रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद ये टीवी ऑफ हो जा रहा है, यही प्रॉब्लम था। तो ठीक है, इसी टाइम मैं थोड़ा टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा, इसी टाइम मैं कुछ वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपको दिखाऊँगा कि ESD सप्लाई, अभी ESD सप्लाई कितना है, देखिए 110 वोल्ट, ये देखिए 115 वोल्ट, ठीक है, ESD सप्लाई। और ESD बन रहा है कि नहीं, ये 180 वोल्ट का लाइन है, यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज इधर उधर हो सकता है, 172 वोल्ट, क्लियर हो गया। ये मेन वोल्ट है ESD ऑन होने के बाद जो आता है, तो दोस्तों ये स्टैंड बाई मोड पर नहीं है। अभी जो फास्ट ये जो रेगुलेटर 8 वोल्ट रेगुलेटर का जो वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट था, ये जो पॉइंट है, अभी यहाँ पर देखिए मीटर पर देखिए 8 वोल्ट, अब मीटर पर ध्यान दीजिए 8 वोल्ट, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है। तो ये 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया था, 5 वोल्ट हो गया, क्योंकि ये आईसी जब शॉर्ट था, ठीक है, शॉर्ट कंडीशन पर, तो उसका आईसी फॉल्ट आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया। अभी ये जो रेजिस्टेंस है, इसका मिडिल पिन पर वोल्टेज कितना आ रहा है मीटर पर, देखिए ये देखिए मीटर पर 8 वोल्ट, ठीक है, 7.98 आ रहा है, ये 8 वोल्ट आ गया, तो दोस्तों ये आईसी का पिन पर चला गया, ठीक है। तो मतलब ये 8 वोल्ट प्रॉपर हो गया, और 8 वोल्ट जब प्रॉब्लम हो जाता है बहुत कुछ सिम्टम आ सकता है। ये टीवी के अंदर जो सिम्टम आया कि कुछ टाइम का बाद ही टीवी लाइट ऑफ हो जाता है, साउंड ऑफ हो जाता है, इसी तरह सिम्टम आया, ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ ये पोजीशन का, ये रेगुलेटर आईसी का वोल्टेज आपको एक बार टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। कुछ भी टाइम हो सकता है ये सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगा, तो रेगुलेटर सेक्शन आपको वोल्टेज आइडिया लगा के रिपेयर कर सकते हो। इसका आउटपुट वोल्टेज ये 8 वोल्ट है, आप देख सकते हो, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज 8 वोल्ट है, मिडिल पिन पर वोल्टेज 1. समथिंग है। तो दोस्तों सॉरी, ये मिडिल पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये 0 वोल्ट है, मतलब ये नेगेटिव है। और ये साइड इसका सप्लाई वोल्ट 12 वोल्ट है। ये 8 वोल्ट रेगुलेटर का आईसी है, ट्रांजिस्टर जैसा, 10-15 ट्रांजिस्टर जैसा, आपको इसका नंबर एक बार बता दिया, ठीक है। और देखिए ये रेगुलेटर का ये साइड एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है, इसका सप्लाई पिन कितना वोल्ट, देखिए 12 वोल्ट है। इसका मिडिल पिन पर कितना वोल्ट, तो इसके मिडिल पिन पर 12 वोल्ट है, और इसका नीचे वाला पिन पर कितना वोल्ट, 11.4 वोल्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका नीचे आर एक्स ट्रांजिस्टर है, इसका ऊपर पिन पर कितना वोल्ट, 8.2 वोल्ट है, ठीक है। और इसका नीचे मतलब मिडिल पिन पर कितना वोल्ट, 0 वोल्ट है, ठीक है। और इसका नीचे कितना वोल्ट, 3.3 वोल्ट है,
क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये जो तीनों ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर है, और ये ट्रांजिस्टर जैसा इट वो रेगुलेटर आईसी है। और दोस्तों यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पर इसका आउटपुट पर कितना वोल्ट, 5 वोल्ट है, इसका आउटपुट पर 5 वोल्ट, मिडिल पिन पर कितना वोल्ट है 0 वोल्ट, और इनपुट पर कितना वोल्ट है 8.7 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये जो चासिस आपको देखा है ओनिडा का 14 इंची अल्ट्रा स्लिम का, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों इतना टाइम मैं आपको जो वोल्टेज चेक करके दिखाया, तो टीवी देखिए अभी बंद नहीं हो रहा है। चलिए स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, देखिए टीवी अभी तक ये चल रहा है, क्लियर हो गया। एक्चुअली 8 वोल्ट प्रॉब्लम का वजह ये प्रॉब्लम जो आपको फर्स्ट टाइम दिखाया। और आपको ये सेट का आउटपुट ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट ये वोल्ट ट्रांजिस्टर है। इसकी ईएसटी सप्लाई, आउटपुट वोल्टेज सब कुछ आपको दिखाया। और ये सेट का तीन अलग अलग डायोड है, तीन अलग अलग डायोड पर कितना वोल्ट मिलता है, जो मेन सप्लाई है आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट ये जो डायोड ईएसटी सप्लाई का 115 वोल्ट, ये दूसरा वाला जो डायोड है यहाँ पर कितना वोल्ट 12 वोल्ट, क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक डायोड है, यहाँ पर कितना वोल्ट होना चाहिए 13 वोल्ट, 15 वोल्ट, ठीक है, ये 15 वोल्ट है, क्लियर हो गया। तो ये चासिस का जो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, ये वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए। और ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ फ्री में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का अंदर ज्वाइन होने का पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, व्हाट्सअप जैसा, ठीक है दोस्तों, व्हाट्सअप जैसा आपको फर्स्ट एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद लिंक क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन हो सकते हो। देखिए दोस्तों अभी तक ये टीवी चल रहा है।